What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental. So hey guys, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं वार्निंग ब्लॉग पे उपवन। तो ये मेरा दोस्त है राजन। तो चलो देखते, फन करते सुबह सुबह, कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे। चलो गाइस। हाँ तो चलना। तो गाइस चलो, मैं आपको आगे मिलता हूँ, बाय। तो हाय गाइस, तो आज अभी पूछे तिरानी स्कूल। तो गाइस अभी थोड़े सा ही दूर है, तो चलो चलते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। राजन भाई इधर आओ। हाँ बोलो भाई, क्या बात। देखो गाइस, ये भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, छोटा सा, कौन सा दो रंग, छोटा सा, HRX क्रिएशंस ना। HRX क्रिएशंस। तो भाई ये बहुत अच्छे अच्छे वीडियो एडिट करते। तो मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ कि इसके, इनके भी चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब टू भाई चैनल ऑलवेज। बाय, आपको मिलता हूँ आगे। तो हाय गाइस, हम लोग लगभग आ चुके। तो अभी हम लोग है शिवाई नगर में। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि शिवाई नगर में बेस्ट स्कूल और कॉलेज है शिये वाला। आप देख सकते हो ये वाला स्कूल एंड कॉलेज है गाइस। तो चलिए देखते, तो आगे मिलता हूँ आपको। तो आगे एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। हाँ आगे क्या बोल रहे हो राजन भाई? इंडस्ट्रियल एरिया है, तो काफ़ी अगर पार्ट्स वगैरह आपको मैन्युफैक्चरिंग करने खुद से, या तो आप न्यू स्टार्टअप कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप आगे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे पार्ट्स वगैरह आपको बना के मिल जाएंगे, यू बट जो आपको चाहिए। तो आगे भी उनको दिखा देंगे, बट वहाँ जाना अलाउड नहीं है अंदर शेड्स में। अच्छा। आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसे तो चलो से दिखा सकता हूँ। हाँ चलो देखते हैं। चलो लेट्स गो। आज गाइस हम लोग आ चुके यऊर के, यऊर गेट में, यऊर के गेट के इधर। तो चलो अब तो ये भी काफी अच्छा एरिया है ऊपर घूमने के लिए। हिल स्टेशन है ऊपर, अच्छे अच्छे होटल्स है। अगर आपको आपको अगर पार्टी विटी करना है तो आप इधर विजिट कर सकते हैं। देखो ऊपर जाने के लिए, बट यहाँ पे काफी प्राइवेट जोन है, यहाँ पे जाने दिखते, बट आप थोड़ा अगर पास वगैरह इनका मिलता है, पास परचेज कर। मेरे को पता है, मैं आपको बाद में बता था, बाद में ब्लॉग, बाद में आपको इसका मैं आपको फोटो भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हाँ तो चलो बाय, मिलता हूँ आपको आगे, बाय उपवन में। सो गाइस फाइनली हम लोग उपवन पहुँच गए। तो गाइस देख सकते हैं गणपति मंदिर है, आपको अगर आना है तो दर्शन वर्शन कर लेना। तो गाइस मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, उपवन ये सब अच्छा मतलब जगह है, बरबर है, बराबर है, बराबर राजन भाई। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे, मतलब अगर आप आते हो विजिट करते हो, तो अगर आपको लंच वगैरह है, भूख वगैरह लगती है, सब यहाँ पे अरे राजन भाई लगती रहेगी। हाँ ऑब्वियसली हम लोग को भी थोड़ी लग गई है अगर सुबह उठा फिर भी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। देखो अरे मैंने ना राजन भाई इधर विजिट किया है। हाँ, तो इसमें दिखा सकते हो, तो ये वाले में पिज्जा डबल इसमें बहुत रीजनेबल प्राइस मिल सकते हैं आपको, पिज्जा का बर्गर का, जिससे आपको वैरायटी मिलेगा, वैरायटी के हिसाब से आपको प्राइस मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा। और काफ़ी इधर भी मैं विजिट किया हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। आइस मैजिक करके, देखो ये वाला। तो अच्छा है भी। और लेकिन बट ये डेस्टिनेशन इसके लिए जाना था कि ये फेमस है, यहाँ पे काफी अच्छे होते हैं, बट इसलिए जाना था कि ये खाने का लवर्स पॉइंट है, लवर्स पॉइंट है, यहाँ पे काफी भाई, अच्छा भाई। तो काफी दोस्त गाइस आपको व्यू दिखाता हूँ, तो चलो आपको व्यू दिखाता हूँ, सनराइज का इमेज दिखाना, सनराइज का दिखाता हूँ, सनराइज का इमेज यहाँ से दिखा सकते। तो हाय गाइस, तो आपको मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको ठाणे में ग्राउंड का प्रॉब्लम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, ये उपवन में बहुत बड़ा ग्राउंड है। इधर बहुत बहुत सारे उपवन फेस्टिवल हुआ है। और राजन में कौन सा फेस्टिवल हुआ है? उपवन फेस्टिवल होने पे, जब यहाँ पे उपवन फेस्टिवल मेन होता है यहाँ पे, और मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पे बंदे, मतलब यहाँ पे काफ़ी हद तक सेलिब्रिटीज आते हैं, फिल्म स्टार्स आते हैं, और काफ़ी नेता वगैरह भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर उपवन फेस्टिवल पे आओगे तो काफ़ी जनों से मौका मिल सकता है आपको मिलने का, मिलने का मौका मिल
आइए और मिलने का मौका पाइए, मिलना पाइए तो आपका भी अच्छा पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हैं। मैंने खुद भी काफी पिक्चर क्लिक किए इधर, मैंने भी बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए, इंस्टाग्राम के रील्स किए, तो जिसने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गया इधर मैं आईडी मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज़ जाके मेरे को सपोर्ट दिखाए। आपने कल मेरे को मेरे बर्थडे के दिन बहुत अच्छा सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट दिया है, तो थैंक। मेरे को आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट बर्थडे तक मेरे को 1000 फॉलोअर्स प्लीज़ कैसे भी करके यार दिला दो यार। तो चलो आपको मिलता हूँ आगे, बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, तो आप देख सकते हो कि इधर ऐसा ये सब जॉगिंग वीगिंग कर रहे हैं। तो हाँ इधर गाइस इधर छठ पूजा होती है, छठ पूजा बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो देख सकते हो गाइस पीछे का व्यू। अरे राजन भाई, तो देख सकते हो आप गाइस मैं आया हूँ ऊपर। तो चलो गाइस आपको आगे के आगे मिलता हूँ, बाय। हाय गाइस, तो आज अभी आपको एक जगह दिखाता हूँ, उधर गणपति विसर्जन होता है, तो चलो आपको दिखा दो। बाय द वे मेरे राजन भाई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि घूम ब्लॉग बनाने नहीं अपना किधर पहाड़ चढ़ा रहे। तो चलो गाइस आ गए हो, जगह आ गई है आपको दिखाता हूँ, चलो। हाँ देख सकते हो गाइस, तो गाइस आर्टिफिशियल पॉइंट है, ये देखो इधर गणपति विसर्जन होता है आर्टिफिशियल्स, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम द्वारा बनाया हुआ। हाँ बनाया हुआ, ये पुल बनाया है क्या? हाँ बनाया है, मतलब खोदा है, खोदा है ऐसे बने तो बने, क्योंकि लेक्स में डालेंगे तो काफ़ी हाँ हो सकती पानी वगैरह, तो इसलिए यहाँ पे बनाया। वो बोलते हैं ना हम एक हिंदी भाषा में बोलते प्रदूषण, तो वो पानी खराब हो जाता है, तो खराब जल प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हाँ प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो गाइस तो चलो आगे आपको मिलता हूँ। और हाँ सबसे मेन बात, इधर गणपति का मंदिर है, कौन सा? पालदेव, सॉरी पालदेव का मंदिर है, और इधर सब लोग जॉगिंग कर रहे, और इधर बैठने के लिए जगह है। तो चलो गाइस आपको आगे मिलता हूँ, बाय। तो हाय गाइस, तो देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ ऊपर में, तो आप मेरे को एक बात बोलना था आपको, तो आप बोलते हो कि मास्क नहीं लगा रहा ऐसा पब्लिक प्लेस पे घूम रहे, तो ऐसा नहीं है गाइस, मेरे को ब्लॉग भी बनाना रहता है, तो कैसा मेरी ब्रेथ है ना वो हो जाती, फूल जाती मेरी सांस। तो हम लोग जस्ट शानदार आ रहे थे, तो इधर जो योगा जॉगिंग वीगिंग कर रहे, तो उन्होंने बोला कि मास्क पहने, तो हमें मास्क पहना हूँ। तो गाइस देख सकते हो उपवन का पूरा सीन, तो गाइस ये राजन भाई। चलो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट, यहाँ भी थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह, इधर भी। हाँ मैं इधर विजिट किया हूँ, प्लीज़ जाओ इधर ये वाले में, आप कभी भी उपवन आओ तो ये वाला रेस्टोरेंट ज़रूर विजिट करना। तो उसके बाजू वाला राजन भाई कौन सा है, दिखाओ जरा। ये उसका नाम तो नहीं है तो, बट ये अच्छा मतलब प्रीफेयर, मतलब दिल्ली का फूड अच्छा रहता है। हाँ बहुत ही अच्छा फूड रहता है, जेन्युइन फूड रहता है, आपके बजट के हिसाब से बैठ जाएगा, मतलब पार्टी वगैरह करने, किसी का बर्थडे है तो आप काफ़ी आते आप विजिट कर सकते हो। और तो लेट्स गो, तो चलो चलते आगे, आपको और दिखाता हूँ, आपको जिन सब चीज़ें दिखाएंगे दिखाता हूँ आगे, चलो चलो बाय। सो गाइस, तो हम लोग का मॉर्निंग वॉक और ब्लॉग दोनों हो चुका है। तो गाइस कैसा लगा आपको ब्लॉग, अच्छा लगा कमेंट करना प्लीज, अच्छा कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चलो बाय।